हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एशिया की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें पीएचडी करने का आपके हाथ मौका है। ये आपका हरियाणा का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो भी आपके एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। पीएचडी की सीट्स की अगर बात करें तो पीएचडी की सीट्स यहाँ पर जो भी हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, वो जो कि आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कराएगी। इसमें आप सोचते होंगे कि एग्रीकल्चर से ही रिगार्डिंग सीट्स मिलेंगे पीएचडी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा की कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में कुछ सीट्स हैं, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशियोलॉजी, स्टैट्स, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसी भी सीट्स यहाँ पर विद्यमान हैं। कॉलेज ऑफ होम साइंसेज में ये सीट्स विद्यमान हैं और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपकी ये सीट्स ये प्रोग्राम्स में आपकी रहेंगी। अब आपका क्वेश्चन रहता है कि क्या सभी कैंडिडेट्स कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हरियाणा का ये अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों, सभी स्टेट्स के यहाँ पीएचडी एडमिशन के लिए आपकी अप्लाई कर सकते हैं और एडिशनल आपकी सीट्स एनआरआई के लिए भी होंगी। तो ऑल अराउंड अबाउट ये कहें तो कि पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आप पीएचडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एग्री की सिप गुरुग्राम में भी कुछ मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम के लिए सीट्स हैं और पीजीडी डिप्लोमा भी कुछ हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। इनके लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी 25/5/2020 है और फीस की बात करें जनरल कैंडिडेट की आपकी 1000 रुपये फीस और SC/BC EWS कैंडिडेट्स के लिए आपकी 250 रुपये फीस रहेगी। इस जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर लें, ये प्रोस्पेक्टस है जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दूसरा, आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट कर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की तो MSc MTech भी कर सकते हैं, आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही ऑर्गेनाइज होगा जो कि आपकी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, कॉलेज ऑफ होम साइंसेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंसेज में आपकी सीट्स रहेंगी। इन इन सब्जेक्ट्स में आपकी सीट्स रहेंगी। सीट्स का वितरण यहाँ पे कोई दिया हुआ नहीं है। अभी बात करें आपकी जो यूजी के लिए, तो यूजी के लिए आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आपके 10th के बाद आपके एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो भी कर सकते हैं आप, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर का होता है और अगर आप 10+2 करने के बाद अगर एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, ये बहुत से सीट्स आपकी रहेंगी। ये प्रोग्राम्स हैं, आपकी सीट्स का वितरण यहाँ पे कोई भी एज सच दिया नहीं हुआ और मेरिट जो लिस्ट होगी वो आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। ये आपका जो भी है वो आप चेक कर लें, हरियाणा स्टेट काउंसलिंग सोसाइटी इसके एडमिशन कराएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके एडमिशन के लिए यहाँ हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए ही रहेंगे, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम आपके भोर जो भी स्टेट्स हैं उनके कैंडिडेट्स ले सकते हैं। ये 20 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे एडमिशन, तो ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अप्रैल से यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी 20 मई रहेगी। तो ये आपको कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दिया करें, उससे मोटिवेशन मिलता है। और ये चीज़ें आपके साथ जो सर्च करके बहुत सर्च करने के बाद आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें भी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक करते सभी करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ जो भी इसके लिए इच्छुक हैं, और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। आपके साथ ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, स्टे होम,